आप सभी को राम राम दोस्तों। आइए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं माता जानकी के महल के। चलिए चलते हैं। यह है माता जानकी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही द्वार में ही दोनों तरफ एक तरफ माता जानकी के वरमाला का और दूसरी तरफ माता सीता और प्रभु श्री राम जब उस वाटिका में पहली बार एक दूसरे को देखते हैं उसका चित्रण किया हुआ है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र का एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में हर समय भजन कीर्तन चलता ही रहता है। वहां से आगे बढ़ते हैं हमें इस महल का भव्य परिसर दिखाई देता है। ये आपके सामने महल, इसकी सुंदरता की क्या ही बात करें। महल के ठीक सामने एक छोटा सा बागीचा है जिसमें कई तरह के फूल और पेड़ पौधे लगे हैं। इस महल परिसर के अंदर ही एक बहुत बड़ी धर्मशाला है। अभी हम जिसके पैदल से निकले उसी धर्मशाला का हिस्सा है। महल से पहले ही यहाँ हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है जो कि ये रहा। इस मंदिर से आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं इस महल में। महल के अंदर माता सीता और रामचंद्र जी विराजमान है। ये पूरा मंदिर बहुत ही शांत और सुंदर है। इतना कि अगर आप आए तो यहां से फिर जाने का मन ही नहीं करता। आप इस महल की भव्यता देख सकते हैं। महल से निकलते ही दूसरी तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तैसे हमें महादेव का एक छोटा सा मंदिर मिलता है। इस मंदिर में लगा हुआ शिवलिंग बहुत ही सुंदर है। एक छोटा सा मंदिर है पर बहुत प्यारा है। इसे देखें तो देखते रहने का मन करता है। ये पूरा परिसर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया यहाँ एक धर्मशाला भी है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं और अयोध्या में कोई रुकने की जगह ढूंढते हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी और शांत जगह है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और हाँ, याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।